हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर आपके अपने चैनल मूवी इन शॉर्ट में। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जैपनीज मूवीज एवर मेड, क्वायदान के बारे में। क्वायदान का मतलब है घोस्ट स्टोरीज। इस मूवी में हम चार अलग अजीब कहानियों को देखते हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, तो देरी क्यों, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। नाउ विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट। पहली कहानी का नाम है द ब्लैक हेयर। मूवी स्टार्ट होती है वक्त में काफ़ी पीछे, जब सैमुराई और किंगडम्स हुआ करती थी, और हम एक छोटे से घर को देख पाते हैं। घर की हालत देखकर ये तो मालूम पड़ता है कि इसमें रहने वाले लोग थोड़े गरीब थे। इस घर में एक यंग सामुराई और उसकी बीवी रहते थे। सामुराई पहले बहुत ही अमीर हुआ करता था, लेकिन उसके मास्टर ने गुस्से में आकर उसकी ऐसी हालत कर दी, इसीलिए अब उसकी सुंदर पत्नी बुनाई का काम करती है और घर चलाती थी। सामुराई की पत्नी देखने में काफ़ी सुंदर थी और उसके वो लंबे काले बाल उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देते। एक दिन सामुराई अपनी बीवी से कहता है कि उसे तलाक दे रहा है और वो घर छोड़कर चला जाता है। दरअसल सामुराई को एक बहुत ही ऊंचा ओहदा यानी कि नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसे वो नौकरी तभी मिलेगी जब वो अपने मास्टर की बेटी से शादी करेगा। सामुराई की पत्नी उसके पैर पकड़कर बहुत ही रोने लगती है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे छोड़कर चला जाता है। अब सामुराई अपने मास्टर की बेटी से शादी कर लेता है और उसे एक बहुत ही ऊंचे ओहदे की नौकरी मिल जाती है। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही कोल्ड और सेल्फिश थी। उसे जल्दी ये एहसास होता है कि उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। अब हर वक्त वो बस उसी की यादों में खोया रहता था। कई साल बीत जाते हैं और अब सामुराई राजा की दी हुई जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसका सेवाकाल यानी कि पीरियड ऑफ सर्विस ख़त्म हो चुका था। इन कई सालों में वो बस अपनी पहली पत्नी के बारे में ही सोचता रहता, लेकिन उस तक जा नहीं पाया, क्योंकि पुराने ज़माने में अपनी जिम्मेदारी को बीच में छोड़ देना देशद्रोह माना जाता था, जिसके लिए आपको मौत की सज़ा भी हो सकती थी। अपनी सेवाकाल ख़त्म होते ही सामुराई तुरंत रात में ही वापस अपनी पहली पत्नी के घर पहुँच जाता है। इतने सालों में वो घर पूरा खंडर सा दिखने लगा था, जिसे देखकर ये तो साफ था कि यहाँ अब कोई नहीं रहता। सामुराई बेताबी से घर के अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी को देखता है अब भी बुनाई करती हुई सुंदर, और उसके वो सुंदर काले बाल। पत्नी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है, और सामुराई ये नोटिस करता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जब वो उसे छोड़ के गया था। वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, जिस पर उसकी पत्नी उसे गले लगाकर माफ़ कर देती है, और फिर वो दोनों बातें करते करते साथ में सो जाते हैं। अब सुबह होने पर जब सामुराई अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि कल रात जो घर बिल्कुल नया था उसकी पूरी छत टूटी हुई थी, जिससे सूरज की रोशनी तक घर के अंदर आ रही थी। वो बगल में सोई हुई अपनी बीवी की ओर देखता है, जिसका चेहरा उसके उन लंबे काले बाल से छिपा हुआ था। सामुराई अपने हाथों से जैसे उसका चेहरा देखने के लिए बालों को हटाता है, डर से चीख कर कमरे के कोने में भागने लगता है। कल रात वो जिसके साथ सोया था वो एक कंकाल था, उसकी पत्नी का कंकाल, जो न जाने कितने सालों से वहीं पर पड़ा हुआ था। वो डरे हुए धीरे धीरे करके बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बीवी के कंकाल में लगे हुए इसके काले बाल हिलने लगते हैं और सामुराई पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह कमरे से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो बाल उसका पीछा नहीं छोड़ते, और हर बार जब भी वो बाल उस पर हमला करते वो बूढ़ा होता जाता, और कुछ ही पलों में अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी क्वायदान की पहली कहानी। अब हम बात करेंगे उसकी दूसरी कहानी, द वुमन ऑफ स्नो। मुशाशी नाम के एक गाँव में दो लकड़हारे रहा करते थे, मोसाकू और मिनोआची। मोसाकू एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था और मिनोआची उसका शिष्य, जो कि 18 साल का जवान लड़का था। एक दिन वो दोनों हर रोज़ की तरह जंगल से लकड़ी काटकर अपने गांव वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही तेज़ बर्फीली आंधी आ जाती है, जिससे वो दोनों फिर भी किसी तरह बचते हुए आगे जाते हैं। बर्फ बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए वो दोनों लकड़ियों को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी से आगे जाने लगते हैं, लेकिन तूफान के सामने दोनों टिक नहीं पाते। उन्हें यहाँ पर जंगल के बीच में एक छोटी कुटिया दिखती है, जिसमें ये दोनों तूफान से बचने के लिए आसरा ले लेते हैं। ठंड और थकान से उन दोनों की आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम जाती है तो हम देखते हैं कि कुटिया का बंद दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, और अंदर एक सफ़ेद चुड़ैल आ जाती है, जो चलकर सीधे उस बूढ़े लकड़हारे के पास जाती है और उसके मुंह पर हल्की सी फूंक मारती है, जिससे मानो उसके शरीर का सारा खून जम रहा हो और उसकी मौत हो जाती है।
दूसरे कोने में लेटा हुआ मीनू हाची अपने डर से फटी हुई आंखों से ये देखकर दंग हो जाता है। और वो सफ़ेद चुड़ैल उसके पास आती है और उसे ये कहती है कि उसे भी मारने वाली थी, लेकिन उसे उस पर तरस आ गया था क्योंकि वो अभी जवान था, इसलिए वो उसे जाने देगी। लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर उसने इस रात के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो उसे मार डालेगी। और इसी के साथ चुड़ैल कुटिया से चली जाती है। इस हादसे को बीते हुए पूरे एक साल हो जाते हैं, लेकिन मीनू हाची इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी ज़िंदगी को फिर से पहले जैसे जीने लगता है और हर रोज़ अकेले जंगल जाकर लकड़ी काटकर गांव में बेचने लगता है। एक शाम वापस लौटते वक्त उसकी मुलाकात रास्ते में एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। रात होने वाली थी इसलिए मीनू हाची उसे मदद ऑफर करता है और अपने साथ अपने घर ले आता है। और फिर हम वक्त में थोड़ा आगे चले जाते हैं जहाँ मीनू हाजी उस लड़की के साथ बहुत ही खुश था और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों को 3 बच्चे होते हैं। पूरे गांव भर के लोग मीनू हाची की पत्नी की तारीफ करते कि वो कितनी अच्छी है, सुंदर थी और सबका ख्याल रखती थी। एक रात बच्चों के सोने के बाद मीनू हाची अपनी पत्नी को उनके लिए खुद से बनाए हुए स्ट्रॉ सैंडल्स दिखाता है। वो उसे उन्हें पहनकर देखने को कहता है। उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है और मुस्कराते हुए अपने काम में दोबारा जुड़ जाती है। मीनू हाची अपनी पत्नी को यूं ही प्यार से देख रहा था कि उसे अचानक उसके साथ उस तूफान में हुए हादसे की याद आ जाती है। उसकी पत्नी जब उसे पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा था, तो उसे हंसकर उसे 10 साल पहले हुई उस रात के बारे में बताने लगता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ही पलों में कमरा ठंड से जमने लगता है और उसकी नज़रों के सामने ही वो अपनी पत्नी को सफ़ेद चुड़ैल में बदलते देखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिसके साथ वो 10 सालों से रह रहा था वो वही चुड़ैल थी। चुड़ैल उससे कहती है कि अगर हमारे 3 बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारे यहीं पर जान ले लेती। एंड फिर वो मीनू हाची को उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है, वरना नहीं तो वो वापस आके उसे उसकी सज़ा देगी। इसके बाद वो दरवाजे के आर पार दौड़ती हुई तूफान में समा जाती है। तो ये थी ख्वाहिदान की पहली 2 कहानियाँ। अगर आपको इसकी और 2 स्टोरीज़ भी जाननी है तो कमेंट Part 2। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं अब तक आपकी मनपसंद कंटेंट कैसे लाऊंगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।